मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका बारहवां बाब 39 से 48 आयात तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इतने इंसान आएगा। तब पतरस ने उससे कहा, क्या खुदावंद तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतजिम जिसको मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया ताकि पैमाना गंदम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो गुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है और गुलामों और लौंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस गुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतज़ार ना करता होगा और ऐसी घड़ी को वो ना जानता हो और वो उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका बखरा कर देगा। बस जिस गुलाम ने अपने मालिक की मर्जी जानकर तैयारी ना की ना उसकी मर्जी के मुताबिक अमल किया वो बहुत मार खाएगा, मगर जिसने ये जानकर मार खाने का काम किया वो थोड़ी मार खाएगा। बस जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत तलब किया जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उससे ज्यादा मांगा जाएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज मोमिनीन, अगर आपको मालूम हो कि एक चोर आपके इलाके में चोरी की वारदात करने के लिए मौके की तलाश में है तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने अजीजों और कीमती चीज़ों की हिफाजत के लिए चौकस और होशियार नहीं हो जाएंगे? यकीनन कोई चोर आपको अपनी आमद की बाबत खत लिखकर मतला तो नहीं करेगा। वो चुपके से और बिन बुलाए ऐसे वक्त में आएगा जब आप उसकी तवक्को भी ना करते होंगे। इसी तरह मसीह यीशु ने कई मौक़ों पर चोर की तमसील इस्तेमाल की। आखिरी दिनों और उसकी अदालत से पहले रूनुमा होने वाले वाक़यात के मुतालिक यीशु ने इस तमसील में खबरदार किया कि बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। यीशु ने भी अपनी आमद को एक चोर के बगैर बताए आ जाने से तशबीह दी, यानी जब लोग उम्मीद भी ना कर रहे होंगे यीशु आ जाएगा। ये तमसील नहायत मौजू थी क्योंकि यीशु की आमद के बिल्कुल सही तारीख किसी को भी पता नहीं होगी। बस यीशु ने अपने सुनने वालों को नसीहत की कि तुम भी तैयार हो इसे कतई नजर कि मसीह यीशु कब अदालत के लिए आएगा। उसकी नसीहत पर ध्यान देने वाले बिल्कुल तैयार हो जाएं। हम खुदा से सच्ची मोहब्बत करते हैं, इस वजह से हम उसकी मर्जी पूरी करने में खुशी महसूस करते हैं। हम अब तक मसीह यीशु की खिदमत करना चाहते हैं। अगरचे हमने अपनी तवक्को से ज़्यादा इंतज़ार किया है तो भी इस इम्कान की अहमियत कम नहीं हुई। हमारे जागते रहने की सबसे अहम वजह यह है कि हम बड़े इश्तियाक के साथ उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब मसीह यीशु का दिन इस मकसद की तकमील में अहम किरदार अदा करेगा। खुदा को खुश करने की हमारी दिली ख्वाहिश हमें खुदा के कलाम पर अमल करने और अपनी ज़िंदगी में उसकी बादशाहत को पहला दर्जा देने की तहरीक देती है। मसीह यीशु जानता था कि हमें हौसला शिकनी का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए उसने सलाह दी कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। बस हम वक्त के जिस धारे में हैं इसमें हमें और भी ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है। आइए शैतान के हथकंडों से खबरदार रहें जो हमें सच्चाई में सुस्त कर सकते हैं या सच्चाई छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। अहद करें कि हम खुदा की बादशाहत की खुशखबरी की मनादी और ज़्यादा जोश और बलबले के साथ करते रहें।
यीशु के इस आगाही पर ध्यान देते हुए वक्त की नज़ाकत को मत भूलें कि जागते रहो। ऐसा करने से हम मसीह यीशु को चलाल देंगे और अपनी बरकत हासिल करेंगे। Radio Veritas Asia.